हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई अभी भी सुबह सुबह उठाओ, देख रहे हो हालत, देख रहे हो क्या ख़राब हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आज वर्कआउट शूट कर रहे हैं हम दोबारा से, एक बढ़िया सा वर्कआउट शूट करेंगे। और आज के वर्कआउट में आपको ज्ञान सुनने को मिलेगा भाई, बेसिकली क्योंकि आज भाई हम लोगों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके एक वायरलेस माइक भी ख़रीद लिया, जिससे आप लोगों को क्वालिटी समझ आए भाई कि हम क्या बोल रहे हैं जिम में। तो भाई फटाफट अभी रेडी होते हैं, मैं नहाऊंगा धोऊंगा, अपना फ्रेश आउट होऊंगा। और मैंने सुबह सुबह उठते ही अभी अपने टेस्ट बूस्टर्स लिए सारे के सारे, शीला जी, अश्वगंधा, गोक्षुरा। और अब चलते हैं नहाने धोने, उसके बाद फिर आके अपनी एक हाई कार्ब्स मील अभी होगी और एक हाई कार्ब्स मील जिम से आने के बाद होगी, उसके बाद पूरे दिन कोई कार्ब्स नहीं है। तो अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 12 और दोपहर के बज रहे हैं 12, तो रेडी होते हैं, जिम चलते हैं। मेरे कोच भी आ रहे हैं और सरताज आ रहे हैं, तो चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। चलो फिर। सो गाइस, नहा धो के आ चुके हैं और भाई या सही हो रखे हैं, तो अभी चलते हैं फटाफट, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने। और मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ। पिछली बार आप लोगों ने याद है ना, मैं सर जब गोल्ड जिम गया था सैनिक फार्म वाले, तो भाई बहुत जाम था भाई, डेड हो गए थे डेड। तो आज स्कूटी से चलते, क्योंकि मेरे घर से स्कूटी से बहुत पास का रास्ता है, तो स्कूटी से चलते हैं फटाफट, क्योंकि यार जैम में फंसेंगे, टाइम वेस्ट होगा बेफालतू का। तो कैमरा को रखते हैं अपने जिम बैग में, कपड़े पहनते हैं और चलते हैं जिम की ओर। बाय बाय। तो सेठ जी आए हैं यहाँ पे अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जी भाई, रिपोर्ट कार्ड आ चुका है बॉडी फैट परसेंटेज वाला, दिखाएं सर। 9.9% बॉडी फैट एंड 46 kg ऑफ मसल मास, और टोटल वेट पे 88 kg पे 45 kg मसल मास ले रखा है भाई। रिपोर्ट कार्ड 99 पॉइंट्स मिलेगा। इतना इतना बड़ा टॉपर तो मैं कहीं नहीं था, इतना तो पढ़ाई में भी नहीं था। और ये रहा मेरा गाइस, ये देखो, ये 10.3% बॉडी फैट और 2.24.1 चलो यहाँ पे ऑफर लग रहा है शूट करते हुए, है ना भाई? जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, मैंने भी प्रमोशन करे। ओह, जीके तो प्री वर्कआउट ले रहे हैं अपना बॉडी सेक्शन से, जीके में। और चलो वर्कआउट चालू करेंगे भाई, ये सब भाई सब खड़े हुए हैं यहाँ पे और वर्कआउट करेंगे आज। ऑडियो क्वालिटी बताना कैसी आ रही है? ऐसा लगता है मौत क्यों चाहिए वर्कआउट भाई, मेरे साथ वर्कआउट इसका हमेशा लंबा होता है। नहीं, मैं पूरा करता हूं, आधा करता है। आज जल्दी करना है और पंप पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए पूरा वर्कआउट। चलो देखते हैं आज क्या कर रहे हैं, तो बताओ। चेस्ट करेंगे भाई, यहां पे 50 का डंबल है वो करेंगे। 50 का डंबल 55 होगा, वो भी ट्राई मारते हैं। तो आज आपको डंबल पिया दिखाते हैं। चलो लेट्स सी। सौरभ भाई को कमरा अच्छा होता है एकदम वैसा। हां, शूट करने के लिए सौरभ भाई हमेशा हमेशा ऐसे ही कमरे में किसी सौरभ भाई यहीं आके वीडियो भाई सौरभ भाई आपके लिए यहां पे ले लो। बढ़िया, बेस्ट है भाई। जिम तो देख अच्छी है, बट यार ये लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है। यहां पे बॉडी इतनी खुल के दिखती नहीं है इस जिम में। मतलब अगर मेरी कल्ट वाली जिम में देखोगे ना, मेरी कल्ट वाली जिम में देखोगे ना, तो भाई वहां पे लाइटिंग बहुत जबरदस्त है। मतलब उनकी बेस्ट लगती है मुझे लाइटिंग की, जिसको बॉडी फिजिक अपनी शो करनी है ना, बेस्ट है। ये छोटा छोटा लगता है इन चीजों में, कोई नहीं, पर बॉडी फैट से पता लग रहा है। और मसल मास हमने टेस्ट करा लिया है आज, उसके लिए आए थे बेसिकली। मेन रीजन ही यही था हमारा कि हम लोग बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट कराया, बॉडी का टेस्ट नहीं कराया, गलत मत सोच लेना। हाँ, कॉम्पोजिशन टेस्ट कराया अपना, ताकि पता लगे कि हम कितने पानी में। ये तो सही पानी में, मैं ज्यादा पानी में थोड़ा मेंटेनेंस करो। कोई नहीं, कट करेंगे बहुत जल्दी जब कट की सीरीज आएगी। इस बार प्रॉपर सीरीज आएगी कट की, जो भी हम कट करेंगे अपना। हाँ जी सेठ जी, क्या कर रहे हैं फिर आज? क्या कर रहे हैं सेठ जी? इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन प्रेस तो चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। मैं तू चेस्ट और शोल्डर कर रहा है, मैं चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप्स कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि रूटीन चेंज नहीं कर सकते, तो रूटीन को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं साथ साथ। अब लेट्स सी, चलो वर्कआउट चालू करते हैं। और यहाँ बेंच सेट हो रही है, वार्म अप हो चुका है और आज आप इंजॉय लो। तो वार्म अप सेट चालू है, इंक्लाइन प्रेस पे अभी वार्म अप कर रहे हैं गाइस। लोगों का लास्ट सेट मेरा फर्स्ट सेट। मतलब 22 किलो से वार्म अप कर रहा है भाई, ये फर्स्ट सेट भी नहीं, ये बढ़िया है।
ये वार्म अप भी हमेशा कंसंट्रेट करके अपना अच्छे से वार्म अप करो, क्योंकि वार्म अप खराब हो गया तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो मेरा वार्म अप सेट लगा रहे हैं, चलो वार्म अप सेट लगा रहे हैं सर। पूरा स्ट्रेच करो ताकि मेन सेट्स के लिए पूरी बॉडी खुल जाए, और वो पार्ट तो स्पेशली खुल जाए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 15 से वार्म अप कर रहे हैं। वर्किंग सेट तीन वर्किंग, फर्स्ट वर्किंग सेट ना, चलो फर्स्ट वर्किंग सेट। भाई फर्स्ट वर्किंग सेट देखो 35 kg, वेरी नाइस। चलो आइए आइए, फर्स्ट वर्किंग सेट 30 kg, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके लगाना। दस रेप ज्यादा मारू, एक और रेस्ट। भाई 11 रेप्स आए, मतलब और मार देता पर मना कर दिया मारने से, क्योंकि बेसिकली एनर्जी को कंजर्व करके अच्छे अच्छे सेट्स के लिए भी रखना है। तो 45 kg, 45 50 45 50 45 50, 45-50 भाई, 35-45-50। यहाँ देखो 30-35-40, 45 ट्राई करूँगा, लास्ट सेट में ट्राई करूँगा 45। चलो वेरी गुड, इजी है यार, चल ले दो, चल 3-2-1 गो। अच्छा आइए, वेरी नाइस, आइए चल कर दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो भाई अपना सेकंड सेट 35 से करेंगे। आठ करियो तू, 5 चल, 3 और हो जाएंगे, 6 चल, 2 और, 1 और रेस्ट। सो गाइस लास्ट सेट ले रहे हैं, और ये लेगा 50 kg, 50 kg ले रहा सेट। एक डंबल थाई पे दे दियो, थाई ओके 50 ना, थाई पे चल, सीधा खड़े कर, ऊपर से पकड़ ले, ऊपर से पकड़ ले, पकड़ेगा टाइट पकड़ना, हाँ पकड़ा, हाँ आजो पीछे रुक जियो, ओके 3-2-1 गो, चल 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 चल, ओके 1-2 easy 3-4 go easy, hop aja One, come on, two, three, four,
भाई नेक्स्ट हमारे डिक्लाइन प्रेस। डिक्लाइन प्रेस का क्या सेट है सर? क्या क्या करना है इसमें? डिक्लाइन प्रेस डिक्लाइन रेप्स या फिर कंट्रोल्ड रेप्स? कंट्रोल्ड रेप्स। चलो भाई लो के लिए स्लो है हमारे लिए कंट्रोल। रिस्ट को देखो गाइस, रिस्ट देखो टू देखो स्लो एंड फास्ट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट, नीचे स्लो ऊपर फास्ट, स्लो फास्ट। नाइस अपना सेट और चलो करते हैं। ज्यादा डिक्लाइन है ये वाली बेंच। वन टू एकदम थ्री निपल लाइन पे से थोड़ा सा और ऊपर कितने? आठ। मैंने तो दस मार दिए। थोड़ा सा पानी ले लें यार। चलो पानी पीते हैं। सो सेकंड वर्किंग सेट चालू हो चुका है भाई। अब वर्किंग इतना वेट पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मूवमेंट से ज़्यादा मैटर है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हमेशा मूवमेंट अच्छी होगी तो आप अच्छा इम्प्रूव कर पाओगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो। नाइस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फोकस देखो मूवमेंट कितनी फोकस्ड है, प्रॉपर जहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यही कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है हमेशा। लास्ट सेट गाइस, लास्ट सेट कर रहे हैं अब। वन है 10 kgs। ज़्यादा वेट नहीं मार रहा हूँ मैं आजकल क्योंकि यार इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वेट आप हैवी मारते हो और कैलरीज इतनी खा नहीं रहा हूँ। तो अब आधे लोग बोलेंगे कि प्रांजल है ना बोले के बोलने वालों को बोलने दो भाई, बाकी तरुण गिल से जाके पूछो। थ्री टू वन वन टू थ्री चलो एक बार चलो 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 एक बार डेड भाई। ये वाला हार्ट था, हार्ट सेट था बहुत भाई, भाई इसकी चेस्ट देखो भाई की माइक फंस गया चेस्ट में भाई, भाई एकदम प्लेसमेंट इतनी भाई मैं चेस्ट इसलिए बना रहा हूं कि माइक फंस जाए, देख रहे हो क्या? प्रॉपरली भाई प्रॉपरली माइक आ गया, बिल्कुल मजा ही आ गया। चलो, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्लैट प्रेस। फ्लैट प्रेस मशीन वाली नोकी बेंच प्रेस फ्लैट पे करेंगे सुपर ड्रॉप सेट। चलो भाई ड्रॉप सेट्स। तो भाई चलो फर्स्ट एक्सरसाइज, ओ सॉरी थर्ड एक्सरसाइज प्रेस फ्लैट प्रेस। तो स्ट्रेच करो पूरा और स्क्वीज, पूरा स्क्वीज करके एक सेकेंड होल्ड। स्क्वीज करोगे तभी फाइबर आएंगे। सो फ्लैट प्रेस भाई। चलो चेस्ट अप, चल 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 पूरा स्क्वीज पीछे तक लेके जाओ, स्ट्रेच करो और आगे के पूरा स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। दो चीजों पे फोकस करो हमेशा, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। टेस्ट 10 करने। सिक्स सेवन चले गो Oh.
हार्ड सेट था, लास्ट वाला रैप काफी हार्ड आया, बट फोकस ऑन द स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग इज द बेस्ट थिंग, स्क्वीज करो भाई। बट हाँ जी सर, व्हाट इज द नेक्स्ट? क्लैविज वर्कआउट, हम क्लैविज बनाएंगे, क्लीविज, क्लैविज वर्कआउट भाई, क्लीविज बनाएंगे बढ़िया से। चलो स्टार्ट करें। तो जिस भी लड़के को या जिस भी लड़की को क्लीविज बनानी है, सो प्लीज कॉन्टैक्ट मी सरताज वी इट्स एडिक्टेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और जिसको मैन, तो करण राजपूत को कॉन्टैक्ट, मैन मूव बनाने तो करण को जानते हो आप लोग, उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई हराम ही है तू, करण का नाम हर बार लेता है, उसको बेइज्जत करना चाहता है तू? नहीं, अरे पॉपुलर हो रहा है वो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना फ्लाई वर्कआउट। और ये चेस्ट की लास्ट है, चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की। चलो भाई यहाँ के शीशे इतने खराब है ना, मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी है ही नहीं। पर आप कैमरा में देख के बताओ कैसा इंप्रूवमेंट्स है। करनी तो डिक्लाइन हिट है बॉडी अपराइट रख के, अपराइट मतलब पीछे हो जाओ। हाँ ये वाली सीधा सीधा, हाँ तो पैरासाइट कर चुके भाई। और देखो शीशों में मैं लग रहा हूँ एकदम गोल गोल, और ये लग रहा है एकदम छोटा, तो भाई बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में दिखा दो कैसा, देखो ये देखो भाई, अब देखो ये देखो है कट, ओफो नाइस। चलो वेरी नाइस, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, what is important is a stretch and a squeeze in a chest, stretch and a squeeze, stretch and a squeeze, fiber nikalo, but ye sari exercise bhi tabhi kamyaab hai jab aap ek achhi diet follow kar rahe ho, aur diet follow aise log karwate hain, coaches karwate hain, to bhai log kehte hain ki body aisi ban jati hai, nahi bhai bahut kharcha karna padta hai, ek achhe coach pe kharcha karna padta hai, understated cheez neend zarur lena, aur अभी ऐसे ऐसे प्रोजों के साथ वर्कआउट करने में मजा आता है भाई, जो आपको एक अच्छी नॉलेज दें, बेसिकली पॉइंट इज दैट, और वही हम कर रहे हैं। और भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ वर्कआउट करेंगे ताकि आप लोगों को बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्लाई में गाइस सिर्फ स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान दो, वेट पे नहीं, 10 किलो भी आपके लिए भारी पड़ सकता है, और अगर भारी पड़वाना है तो भाई डीएम करो, ट्रेनिंग लो, क्योंकि भाई ट्रेनिंग इज कुछ भी फ्री नहीं आता। अगर आप तुम लोगों को लगता है कि भाई हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो फ्री होती है, नहीं होती, बॉडी बनाते हैं फ्री होती है, नहीं होती, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्री मिल जाए? तो मतलब जो बॉडी बनाने के लिए भी आप लोगों को काफी सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप जिम में जाओगे ना, आधे लोग बॉडी क्यों नहीं बना पाते हैं, गलत एक्सरसाइज करने की वजह से इंजरीज खा जाते हैं, अच्छे से मसल हिट नहीं कर पाते हैं, डाइट की वजह से मसल ग्रो नहीं होता है, तो डिमोटिवेट होकर जिम छोड़ देते हैं। बट अगर वहीं आप अच्छा कोच हायर करो तो इंजरी से भी बचोगे, डाइटिंग भी कर पाओगे और साथ ही साथ बॉडी भी बना पाओगे। तो भाई फॉलोइंग आपको टिप्स मिलती रहेंगी और कोचिंग भी ले सकते हो। बताओ भाई आईडी सरताज वेट्स एडिक्टेड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस शोल्डर शुरू हो गए, चेस्ट खत्म हो गए, और लेटरल रेजेस अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है। फोकस करो बॉडी को, बॉडी को ज़्यादा ना हिलाओ और प्रॉपरली इसे फोकस करके मारो, लॉक करो ऊपर आके, बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, जो आपको बॉडी को चौड़ा होने में दिखाता है, मतलब जो चौड़ा चौड़ा शो करता है ना वो शोल्डर होता है और बैक होती है, तो कर सकते हो। तो लैटरल रिजेस में एक और फॉर्म है, मतलब फॉर्म नहीं, फॉर्म तो सेम है बट तरीका एक और है। इसमें क्या है कि आप इंक्लाइन बेंच को पूरा ऊपर कर लो और इसमें अपनी चेस्ट निकालो, चेस्ट टिकाने से क्या होगा कि आपकी जो बैक है ना वो लॉक हो जाएगी, तो आप बैक को ऐसे ऐसे नहीं कर पाओगे, हिला नहीं पाओगे, जिससे कि पूरा जो टेंशन है ना वो शोल्डर पे आएगा, देखो, और इसमें वेट भी ज़्यादा नहीं मार पाओगे, चीटिंग भी नहीं होगी बिल्कुल, मतलब ये नो चीट मूवमेंट्स में से है, ये देखो
और मेरे को इसमें ना 7.5 किलो भी भारी लग रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हो ना कि ज्यादा वेट अगर नहीं बढ़ा सकते आप, तो क्या कर सकते हो कि आप ड्रॉप सेट्स लो। हर बार वेट ही काम नहीं करता है, कभी कभार ड्रॉप सेट्स मोर रेप्स भी काम करते हैं। तो भाई ये लास्ट सेट, ये ड्रॉप सेट होगा। ड्रॉप सेट देखना कितना खतरनाक होगा ये। तो पहले 10 से 15 रैप, 10 kg से 15 रैप्स मारेंगे। बैक को ज्यादा मूव नहीं करना। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट 7.5, 7.5। चलो 1, 2, 12 reps है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ड्रॉप ड्रॉप 5। इजी रेप्स है 15। ओह 15 रेप्स। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत इजी। 7, लेट्स गो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया, आया मजा। कुछ फटे नहीं? फटे शीशे में दिखते नहीं भाई उसके। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हो हैवी। चलो चलो अभी तो चालू हुए हो, पार्टी तो अभी बाकी है मेरे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो चलो भाई, चाहे पार्शल करो। हाँ पार्शल करो, पर मसल को टारगेट करो। हाँ चलो चलो चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 11, 12, 13, 4, 3, 2। तो भाई कैसा लग रहा है? ओ भाई देख पंप हो गया फुल। भाई खाना वाना खाया करो, क्या करते हो आजकल? भाई हाँ खाना खा लिया ना, पेट भी आ जाएगा, तो भी मेंटेनेंस तो चल रहा है। अच्छा आएंगे दोबारा मतलब। तो फिट जी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज? अपराइट रो। अपराइट रो शोल्डर की, मेरी लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर की। उसके बाद हम ट्राइसेप्स करेंगे और सर हमारे शोल्डर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अपराइट लगाते हैं फटाफट। सो गाइस स्टार्ट हो गया। चलो ये देखो पोस्चर, ज़्यादा ऊपर और नीचे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। ये देखो ओके भाई, हर चीज में ना मूवमेंट का ध्यान रखना जरूरी है। बॉडी हल्की सी बेंड करो, बिल्कुल हल्की सी, और मूवमेंट पे फोकस। हिलाओगे डुलाओगे फायदा नहीं है। चलो ऊपर, नीचे नहीं छोड़ना। चलो तो भाई यहाँ से इसका वर्कआउट चेंज हो गया है और मेरा वर्कआउट चेंज हो गया। हम जा रहे हैं ट्राइसेप्स करने, सर कर रहे हैं हमारे शोल्डर्स की 2 और एक्सरसाइज, हम ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो आ जाओ ट्राइसेप्स पे मूव करते हैं और फटाफट ट्राइसेप्स निपटाते हैं अपने। ट्राइसेप्स पे पहली एक्सरसाइज करेंगे हम पुश डाउन। पुश डाउन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यार। मैं सारी केबल पे एक्सरसाइज करता हूँ ट्राइसेप्स की, और कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता, सिर्फ ट्राइसेप्स मेरे को केबल पे ही करना पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो पहली है पुश डाउन। तो गाइस पुश डाउन स्टार्ट करते हैं अपना।
वेट लेते हैं फर्स्ट, यहाँ 52 किलो तक ही है। चलो कोई नहीं यार, ये जिम्स में ना आप बॉडी नहीं बना सकते, यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो बट फिजिक ऐसे जिमों में नहीं बनती भाई। फिजिक थोड़ी अप कॉन्ट्रैक्ट, अप कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज करो, फ्लेक्स करो ताकि ब्लड फ्लो होल्ड हो, फिर ब्लड फ्लो होल्ड होने के बाद ब्लड फ्लो रिलीज हो जिससे कि बॉडी में एक अच्छा पंप आए और एक अच्छा फिजिक आपकी रेडी हो, ठीक है। और मैं कहता कि ऐसी जिमों में बॉडी नहीं बनती, इसका रीज़न ये है कि भाई देखो ये बहुत वैसी जिम्स है, मतलब कि रफ एंड टफ नहीं है, बहुत ऑर्गेनिक वे में आपको चीज़ें करनी पड़ती है। और जिम जो रियल जिम होती है वो रफ एंड टफ होती है, आपको रॉ करनी पड़ती है। तो इन जिमों में कभी कभार आके आप वर्कआउट कर सकते हो बट वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ। सो सेकेंड सेट ऑफ पुश डाउन, और ऐसे ही हम करेंगे 4 सेट्स और 3 एक्सरसाइजेस। तो आ जाओ भाई, देखो अपना पूरा ऊपर लेके जाओ, नीचे नीचे, नीचे, और इसके बाद फ्लेक्स, फ्लेक्स इज मस्ट। फ्लेक्स नहीं करोगे तो जो रिजल्ट्स चाह रहे हो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बॉडी बिल्डिंग में। हमेशा बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी दिखाने के लिए फ्लेक्स नहीं करते एक्सरसाइज करने के बाद, नहीं, दे होल्ड देम ब्लड, ब्लड फ्लो को होल्ड करते हैं। एंड गाइस, इज द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप्स हम कर रहे हैं, जो सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की वो है रोप पुश डाउन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आपको रोप पुश डाउन मतलब ट्राइसेप्स अगर आपको ग्रो करनी है तो मेरे हिसाब से रोप पुश डाउन से बड़ी एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरे ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और अच्छे से फ्लो करती है। तो आओ देखते हैं रोप पुश डाउन कैसे करते हैं। मूवमेंट पे ध्यान देना हाथ के, ठीक है, नीचे स्क्वीज, ये अपना लॉक पॉइंट है और इस लॉक पॉइंट से ऊपर गए तक रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। ड्रॉप करेंगे थोड़ा सा, बस्ट एंड अगेन स्क्वीज और फ्लेक्स योर पार्ट ताकि ब्लड फ्लो कंट्रोल में रहे, और ब्लड फ्लो होल्ड होगा फिर आप एकदम से छोड़ोगे अपने ब्लड फ्लो को तो एकदम से मसल्स में घुसेगा और एक्सपेंशन धीरे धीरे होता है प्रोसेस, बट स्लो प्रोसेस है बट कामयाब है। तो शॉर्ट सेट इसके भी और नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स की, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ट्राई करके देख सकते हो और काफ़ी कारीगर है। टू थ्री, पर मूवमेंट सारी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, अगर मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। दो, नाइन, नेक्स्ट हैंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मतलब अगर कोई भी आप आर्म्स की एक्सरसाइज करी हो जिसमें या तो जिसमें सिंगल हैंडेड यूज़ हो तो पहले लेफ्ट से ट्राई आउट करना। उसका रीज़न ये होता है कि जिन लोगों का लेफ्ट हैंड वीक है वो लेफ्ट से पहले क्या करो, जिनका राइट हैंड वीक है वो राइट से पहले क्या करो। उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट से मतलब आप राइट से तो ज़्यादा रैप लगा रहे हो, अगर आपका राइट स्ट्रांग है फिर लेफ्ट से आप लगा नहीं पाओगे उतने, तो वो इम्बैलेंस है। उस वजह से अपना जो वीक हैंड है या वीक साइड है उसे पहले
पुश करना स्टार्ट करो ताकि उससे जो रैप आए जितने रैप आए उतने ही फिर आप अदर साइड से लगा सको तो बैलेंस बना रहेगा। तो फोर सेट्स एक हो गया, तीन और करते हैं फिर एब्स में मिलते हैं। सो गाइज अब एब्स कर रहे हैं, ट्राइसेप्स ख़त्म हो गई। तो रोप के साथ हम रोप क्रंचेस के साथ हम लेग रेजेस कर रहे हैं। देख लो खुद साहब लगा रहे हैं पहले फर्स्ट सेट फिर सेकंड सेट लगाएंगे। कितने सर? 12। चलो मैं लगाता हूँ। बस पंप आ जाना चाहिए मसल में और क्या चाहिए। ये भी नॉर्मल मसल की तरह है। लोग सोचते हैं हजार हजार रैप करके मसल बन जाता है पर उनको ये नहीं पता मसल टूट जाता है। बीस रैप्स और अब हैंगिंग लग रेस। हैंगिंग लग रेस का एक सीक्रेट है, अगर आपकी लोअर बैक स्टेबल है तो आपके एब्स पे आ रही है। लोअर बैक स्टेबल नहीं है, लोअर बैक झूल रही है तो एब्स पे कॉन्ट्रैक्शन कभी भी नहीं आएगा। तो अपनी लोअर बैक को स्टेबल करो हमेशा। ये देखो 1 2 पूरे नीचे मत छोड़ो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जितना स्टेबल रखोगे उतना ही एब्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और स्क्वीज कर पाओगे। तो ये सीक्रेट है, याद रखो। ऐसे ही चार सेट करेंगे, एक मैंने करके दिखा दिया है, ऐसे ही आप चार सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो तीन हो जाएंगी, दो ये हो गई और एक एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है। देखो 1 पूरा स्क्वीज ऐसे ही करते रहो और अभी तक देख लो यार वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो करते हो, वहाँ भी रेगुलर कंटेंट आता है शॉर्ट रील बेस्ड, तो फॉलो करो वहाँ भी। चलते हैं और आज की ऑडियो क्वालिटी बताना कैसी है। अगर ये ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, ऐसे बोलने वाली वीडियो पसंद आ रही है, ये नहीं कि सिर्फ ऑडियो ऑडियो चल रही हो जिसमें जैसे मैं पहले डालता हूँ, ये वाली अगर कॉन्टेंट आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बताना, ये माइक को परचेज कर लेंगे और फिर इसे कॉन्टेंट बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, व्हाट्स द नेक्स्ट? एब्स कर रहे हैं, थर्ड एक्सरसाइज, ये देख लो मोमेंटम। चलो स्क्वीज स्क्वीजिंग पे फोकस करना है। कुछ ज्यादा लगा दिया क्या मैंने? भाई 125 भाई किलो है, एलवी होगा भाई। बस पहले फील ले ले फिर ही तो वेट बढ़ेगा। 1 2 स्क्वीज देखो 4 5 भाई चलो स्क्वीज रिलीज स्क्वीज एब्स स्क्वीज करने और कुछ नहीं। अबे भाई हंसा मत, सर पीछे रख। आती है भाई एब्स। तो भैया कार्डियो शुरू हो चुका है, ये 15 मिनट्स करेगा, मैं 20 मिनट्स करूंगा। नई चीज ट्राई कर रहे हैं, ये कार्डियो कर रहा है और मैं भी कार्डियो करता हूँ। कार्डियो करने के बाद मिलते हैं आपसे मील पे, तो कार्डियो करते हैं फटाफट। मैं करूँगा इंक्लाइन वॉक, फुल इंक्लाइन पे 20 मिनट्स 6 की स्पीड पे। तो चलो कार्डियो करना शुरू करते हैं, कैमरा को रख देते हैं और पूरा वर्कआउट आपने देखा, आपको पसंद आया होगा यार, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अब वर्कआउट खत्म हो गया और अब चल रहे हैं स्टीम लेने भाई। आज बहुत टाइम और स्टीम ले रहा हूँ तो देखते हैं भाई स्टीम से मस्त क्वालिटी और सब इन सब चीज़ों में ना एक अच्छा फ़र्क आता है। तो चलो स्टीम चलने चलते हैं। स्टीम लेके आ गए हैं और बिल्कुल मसल फुल हो गई है, मज़ा ही आ गया मतलब नाइस। तो अब चलते हैं शॉवर लेने, शॉवर लेके अपना घर चलेंगे। ये वीडियो यहीं तक की थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। इसमें मील्स नहीं दिखा रहा हूँ आज की वीडियो में आपको, तो कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में कभी मील्स दिखाएंगे। आज का वर्कआउट वीडियो था पूरा, तो वर्कआउट तक ही रखते हैं ऐसे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में. लव यू ऑल, बाय बाय.